हेलो एंड वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट एट। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर देख लीजिएगा। एंड गाइज, जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं उन सभी का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू पास लॉ परमिटिंग मेंस्ट्रुअल लीव? एंड करेक्ट आंसर इज स्पेन। स्पेन पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है जो पेड मेंस्ट्रुअल लीव अलाउ करेगा। एंड केरला गवर्नमेंट ने जनवरी में अनाउंस किया था मेंस्ट्रुअल लीव, एंड बिहार गवर्नमेंट ने 1992 में मेंस्ट्रुअल लीव को इम्प्लीमेंट किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू स्टार्ट किन दो देशों के बीच न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन की ट्रीटी है? एंड करेक्ट आंसर इज यूएसए एंड रशिया। न्यू स्टार्ट एक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है यूएसए एंड रशिया के बीच का। इसे 8 अप्रैल 2010 को प्राग में साइन किया गया था। न्यू स्टार्ट ट्रीटी को यूएसए एंड रशिया ने 5 साल के लिए बढ़ाकर 4 फरवरी 2026 तक कर दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंट्री में वर्ल्ड का मोस्ट रेजिलियंट लेबर मार्केट है एज पर ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023? एंड करेक्ट आंसर इज डेनमार्क। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 के top 10 countries, जिसमें डेनमार्क top 1 पे है। व्हाइट शील्ड ने अपना एनुअल रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसका टाइटल है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 अन इवन रिकवरी ड्यूरिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। GLRI का 2023 का एडिशन व्हाइट शील्ड के रेजिलियंस कैपेबिलिटीज फ्रेमवर्क एंड उन सभी की पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन पर जोर देता है जिनके लिए देशों को COVID-19, राइजिंग इन्फ्लेशन, टाइटनिंग फाइनेंशियल कंडीशन एंड लॉन्गर टर्म स्ट्रेसेस जैसे झटकों के लिए बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता होती है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। वो पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसने UPI लाइट पेमेंट्स लॉन्च किया है जो इनेबल करेगा क्विक एंड सिमलेस ट्रांजेक्शन अप टू ₹200 विदाउट हैविंग टू एंटर अ पिन टू मेक अ पेमेंट? एंड करेक्ट आंसर इज पेटीएम। सो पेटीएम पेमेंट बैंक वो पहला प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने UPI लाइट पेमेंट्स को लॉन्च किया है जिसमें ₹200 तक के पेमेंट के लिए पिन की जरूरत नहीं है। NPCI द्वारा इनेबल्ड UPI लाइट यूजर्स को अलाउ करेगा मल्टीपल स्मॉल वैल्यू UPI ट्रांजेक्शन विदाउट यूजिंग अ पिन। एंड यूजर्स UPI बैलेंस को किसी भी टाइम बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग ऑल इट्स कमीशन मैन होल्स बाय प्रेसिंग इन टू सर्विस द रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट? एंड करेक्ट आंसर इज केरला। केरला वो पहला राज्य है जिसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज कर अपने सभी कमीशन मैनुअल्स की क्लीनिंग करवाई है रोबोटिक एस्केवेंजर बैंडिकूट के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस कंट्री के मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है? एंड करेक्ट आंसर इज रशिया। FATF को फॉर्म किया गया था 1989 में। इसका पर्पस है कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में एंड FATF के प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रशिया के मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। FATF ने साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में ऐड करने का भी अनाउंसमेंट किया है। अभी टोटल 39 मेंबर्स हैं FATF में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने एक पॉलिसी पेपर पब्लिश किया है ऑन एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर क्रिप्टो एसेट्स? एंड करेक्ट आंसर इज IMF। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 9 पॉइंट एक्शन प्लान रेडी की है कि कैसे देशों को क्रिप्टो एसेट्स को ट्रीट करना चाहिए। यह 9 एलिमेंट फ्रेमवर्क मेंबर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी रिस्पांस करने में हेल्प करेगा।
एंड वो जो 9 एलिमेंट्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज होस्टिंग द 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, एंड करेक्ट आंसर इज राजस्थान। सो राजस्थान के बीकानेर में डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम में 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था, एंड यह फेस्टिवल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का इनॉग्रेशन किया राजस्थान के बीकानेर में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेस्टिवल इज टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड पॉपुलराइज द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासैट इज द फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच कंट्री, एंड करेक्ट आंसर इज इजराइल। नासा लॉन्च करेगा इसराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन अल्ट्रासैट, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, एंड नासा इसे 2026 में लॉन्च करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2023, एंड करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। फाइनल में साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 6th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस बार का होस्ट कंट्री था साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एस गार्नर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स फॉर स्टेडी जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन, एंड करेक्ट आंसर इज वायुलिंक। इंडियन एयरफोर्स एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आया है जो पायलट को खराब मौसम से डील करने में मदद करेगा और उन्हें बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करेगा, जिसका नाम है वायुलिंक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस स्टेट के हॉकी टीम ने जीता है, एंड करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश हॉकी टीम ने महाराष्ट्र हॉकी टीम को फाइनल में 5-1 से हराकर 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जन अभियान अ नेशन वाइड कैंपेन विद द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी वॉज लॉन्च इन विच स्टेट, एंड करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पीएम मोदी ने वर्चुअली जल जन अभियान को लॉन्च किया है। ब्रह्म कुमारी संस्थान एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिल के पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन 8 महीने के लिए चलाएगी टू प्रिजर्व मोर देन 5,000 वाटर बॉडीज अक्रॉस द कंट्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किसके साथ MOU साइन किया है इंडियन ट्राई सर्विसेज के लिए अपना लोरा वेमन सिस्टम के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई के लिए, एंड करेक्ट आंसर इज इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी यानी कि लोरा वेपन सिस्टम के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई के लिए। लोरा एक सी टू ग्राउंड एंड ग्राउंड टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है एंड इसका रेंज है 280 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल टेक समिट 2023, एंड करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम। सो ग्लोबल टेक समिट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरुथा नगरोत्थान स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट, एंड करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। अमरुथा नगरोत्थान स्कीम के तहत बेंगलुरु सिटी के डेवलपमेंट के लिए 6,000 करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। अंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।